ये वीडियो कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जिनके पीछे हमारे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। इतनी सुहानी सुहानी सलाहें बड़े एक्सपर्ट बन के देते हैं। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा और ये है बी कैंट। करिए फिर शुरुआत। चलो फिर सबसे पहला मिथ वो ये है कि आपको किसी ना किसी आपके स्कूल या कॉलेज के दोस्त ने आपको ज़रूर एक ना एक बार पक्का बोला होगा, क्योंकि ये मिथ मुझे सुनने को बहुत मिलता था क्योंकि मैं अपनी क्लास में सबसे छोटा था। वो है कि मास्टरबेशन करने से हाइट बढ़ती है और इसी चक्कर में अपन ने पेल दिया है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ये मिथ बना क्यों? ये मिथ इसलिए बना क्योंकि जो हमारा वो प्यूबर्टी का टाइम होता है, वो हमारी प्यूबर्टी की एज होती है, उसी एज में हम ये मास्टरबेशन वगैरह करनी शुरू करते हैं। गिव अ मैन अ वगैना एंड ही विल शबिख फॉर अ डे, टीच अ मैन टू यूज हिज हैंड एज अ वगैना एंड ही विल शबिख फॉर अ लाइफ टाइम। और उसी एज में हार्मोनल चेंजेस के कारण हमारी हाइट भी बढ़ती है या आवाज़ हमारी हैवी होती है। तो बस ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, इसी चक्कर के कारण ये हमारा मिथ बना है। इनका दोनों का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट मिथ हमारा जो हमारे स्कूल में और कॉलेज में बहुत चलता है कि मास्टरबेशन करने से पिंपल्स कम होते हैं, और उनके पीछे उनका लॉजिक ये होता है कि हमारे अंदर ना उस एज में गर्मी भरी होती है, वो गर्मी पिंपल्स के कारण निकल रही होती है, पिंपल्स की फॉर्म में निकल रही होती है। तो उनका लॉजिक ये होता है कि अगर पेलो तो गर्मी निकल जाएगी और हमारे पिंपल्स कम हो जाएंगे। लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पिंपल कम करने के चक्कर में आप फेल देते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। रीज़न सिर्फ यही है कि उस एज में हमारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और उसी एज में हम वो करते हैं और उसी एज में हमारे पिंपल निकलते हैं, जिस कारण ये सारा कुछ हमारे दोस्तों ने किले बनाए हुए हैं, लेकिन उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट मिथ जिसको आजकल एक स्टेटस सिंबल ही बना दिया गया है और मम्मी बड़े शौक से बोलती है, और बेटो ब्रश कर लिया। रियलिटी में क्या होता है कि खाना खाने के एकदम बाद ब्रश नहीं करना। आपको क्या करना है कि खाना खाने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपके जो टीथ हैं वो वीक ना हो, खाना खाने के बाद सिर्फ वो एक गरारे करो, दैट्स इट। उसके एक घंटे बाद या उससे भी बाद ब्रश करो। वो होता है एक राइट टाइम ब्रश करने का, और वो भी आपको 1.5 मिनट से 2 मिनट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। नेक्स्ट मिथ जो इंडिया में बहुत बुरी तरह यूज़ किया जा रहा है, यस, वो सिर्फ एक वर्ड है और वो वर्ड है नेचुरल। यस, नेचुरल वर्ड को इंडिया में स्किन केयर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए बहुत बुरी तरह यूज़ किया जा रहा है। हर चीज़ को नेचुरल बोला जा रहा है, हालांकि ज़रूरी नहीं कि जो नेचुरल चीज़ आपके स्किन केयर प्रोडक्ट में है वो आपकी स्किन के लिए अच्छी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आमंड एक्सट्रैक्ट, सिनामिन या फिर बेजिल, ये सुनने में तो कितनी नेचुरल साउंड करती हैं, लेकिन ये आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ना हो तो ही अच्छा है। वही दूसरी तरफ कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सी वीड, अगर ये आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में हैं देन वो आपकी स्किन के लिए अच्छा है। इसकी पूरी लिस्ट, क्या आपकी स्किन के लिए अच्छा है जो नेचुरल है, क्या आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है जो नेचुरल नहीं है, उसकी पूरी लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। अगला कि लड़कों के स्किन केयर प्रोडक्ट्स और लड़कियों के स्किन केयर प्रोडक्ट्स में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ बाहर से पैकिंग का फ़र्क होता है, अंदर ये जो मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग वाले हैं, ये हमारा चू कर रहे हैं अलग अलग बोल के, ऐसा नहीं है। रियलिटी में उन्होंने प्रॉपर एक रिसर्च की होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी लड़कों की स्किन होती है और जो लड़कियों की स्किन होती है, जो हमारी लड़कों की स्किन होती है वो लड़कियों की स्किन से 20% ज़्यादा थिक होती है और लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा ऑयली होती है। तो उन प्रोडक्ट्स को उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो अपनी गर्लफ्रेंड के, अपनी वाइफ के या फिर अपनी मम्मी के प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर दो, तो अपने ले लिया करो जो स्पेशल आपके और मेरे लिए बनाए गए। मेरे पिछली वीडियो में से इस वीडियो में जो कमेंट फीचर है वो फीचर हुआ है यश शर्मा का। जिसने नहीं देखा बी कैंट वो देखो पोगो, और जिसने देखा है बी कैंट वो फॉलो करो ऋषि भाई का लोगो। ऐसे ही आप भी नीचे कमेंट करो, ये वीडियो शेयर कर दोगे आपके इस भाई को, आप भाइयों का ही सहारा है। इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, वहाँ पे फॉलो कर लो एंड सब्सक्राइब भी कर लो, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ बी कैंट, डोंट फॉरगेट टू बी कैंट। मिलते हैं अगली वीडियो में।